तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वीवो V21 5G के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेस्ट को, और साथ ही में करेंगे इसके फेस अनलॉक टेस्ट को भी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, फटाफट से सेट करते हैं अपने फिंगरप्रिंट को। तो फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए आना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। तो सिंपली सेटिंग्स में आते हैं। अब सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक फीचर ऑप्शन दिखेगा दोस्तों, सिक्योरिटी, जिसमें लिखा हुआ है पासवर्ड, फिंगरप्रिंट एंड फेस। तो सिंपली से इसमें आते हैं। अब इसमें आते हैं फिंगरप्रिंट पे। और फिंगरप्रिंट में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको एक पिन बनाना होगा फ़ोन का, या फिर पैटर्न बनाओ, या फिर पिन बनाओ, या फिर पासवर्ड। तो मैं यहाँ से सिंपली से पिन बना लेता हूँ 4 डिजिट का। फिर नेक्स्ट करना है, फिर से आपको रीटाइप करना है और कन्फर्म कर देना है। अब यहाँ पे जैसे ही कन्फर्म करोगे तो यहाँ पे शो ऑल नोटिफिकेशन कॉन्टैक्ट यहाँ पे आएगा, उसको डन कर देना है। और डन करने के बाद यहाँ पे हमारी फिंगरप्रिंट डालने के लिए ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे सिंपली से स्टार्ट इनपुटिंग करना है, यहाँ पे टिक करके और एग्री कर देना है। अब एग्री करने के बाद हमें यहाँ जो है अपनी फिंगरप्रिंट को जो है वो सेट कर लेना है। तो मैं फटाफट से अपनी फिंगरप्रिंट सेट कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइज, हमारी फिंगरप्रिंट जो है वो हो गई है सेट। अब हम लोग यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो सिंपली से फिंगरप्रिंट यहाँ पे हो गई है। तो अब हम लोग यहाँ पे फ़ोन को करते हैं लॉक। अब लॉक करने के बाद जैसे हमारी आइकन बनी, अब देखें दोस्तों, वाओ कितना फास्ट दोस्तों ये फिंगरप्रिंट है, मज़ा आ गया दोस्तों। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि कितनी सेकेंड में जो है ये ओपन हो रही। ओ हो 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 दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि कितनी फास्ट है, यानी कि 1.00 सेकेंड में जो है ये खुल जा रही है। मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से 1 सेकेंड के आसपास ही ये जो है वो खुल जा रही है। अब आप लोग जो है इसका मतलब जो है वो एनिमेशन भी चेंज कर सकते हो फिंगरप्रिंट का, ये भी काफ़ी अच्छा है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया फेस लॉक। अब हम लोग फटाक से इसका फेस अनलॉक को टेस्ट कर लेते हैं। तो फेस अनलॉक टेस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा बैक आना है, और बैक आने के बाद फिर से हमें आ जाना है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पे एक फेस का ऑप्शन है, तो सिंपली से हमें पासवर्ड को डालना है, और यहाँ पे स्टार्ट टू ऐड का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो स्टार्ट टू ऐड कर देना है। अब यहाँ पे सिंपली से एग्री कर देना है यहाँ पे भी, और यहाँ पे इनपुटिंग का जो है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों, हमारी फेस अनलॉक जो है वो हो गई है डन। अब सिंपली से यहाँ पे ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद हम लोग जो है फेस अनलॉक का टेस्ट जो है वो कर लेते हैं। तो सिंपली से ये देखिए दोस्तों, हमारी फेस जो है वो लॉक हो गई। अब यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। तो डायरेक्ट करने के लिए सेटिंग्स में आना है। अब सेटिंग्स में आने के बाद हमें आना है सिक्योरिटी में, सिक्योरिटी में आने के बाद आना है फेस में। फेस में आने के बाद अपना जो पासवर्ड है फ़ोन का, मेन पासवर्ड, उसको डाल देना है। अब यहाँ पे स्ट्रे ऑन लॉक स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग, इसको जो है ऑफ कर देना है यहाँ से। अब इसको जैसे ही ऑफ करोगे स्ट्रे ऑन लॉक स्क्रीन को, आप देखिए डायरेक्ट जो हमारी फेस लॉक वर्क करेगी, यानी कि मैंने यहाँ पे देखी और हमारी फेस लॉक जो है वो खुल गई। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये कितना तेज़ है दोस्तों। मैंने मतलब फ़ोन पे कुछ आया भी नहीं, और ये जो है मतलब फ़ोन का जो हमारा खुल गया, मतलब फ़ोन की जो लॉक स्क्रीन है वो आती भी नहीं, और ये जो है ये खुल जाती है। तो फटाक से अब देख लेते हैं इसका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट। तो इसके लिए हमें फ़ोन को थोड़ा करना होगा साइड में, और साइड में करने के बाद बावजूद भी दोस्तों हमारी फेस लॉक जो है वो इतनी तेज़ हो जाती है। तो फिंगरप्रिंट भी आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, यही वो Vivo V21 5G का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट टेस्ट था, और साथ ही में था फेस अनलॉक टेस्ट भी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर नया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियोज आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।